वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे लहसुन की तीखी और चटपटी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप किसी भी भजिया, पकौड़े, वड़ा, रोटी, पराठा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका स्वाद दोगुना कर देता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सूखा मिर्चा लिया है और सूखे मिर्ची को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है 10 से 15 मिनट पहले। इससे मिर्ची बहुत आसानी से पिस जाती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। साथ में लेंगे लहसुन, इसको मैंने छिलका निकाल कर रख लिया है। जितना लहसुन है उतना ही सूखा मिर्चा लेंगे मेजरमेंट में। यदि आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो मिर्ची का बीज निकाल कर पीसिए, या फिर तीखा खाना पसंद है तो फिर इसको ऐसे ही पीसिए बीज के सहित। इसके साथ हम लेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, आधा इंच का टुकड़ा अदरक और आधा छोटा चम्मच हींग, और तेल लेंगे फ्राई करने के लिए आधा कप। अब सबसे पहले हम चटनी को पीसेंगे। चटनी को पीसने के लिए सबसे पहले मिर्ची को हम जार में डालेंगे और इसके बाद हम अदरक को छोटे टुकड़े में काट के डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाएगा, और मसालों को डाल देंगे। अब हम इनको बिना लहसुन का पीसेंगे जिससे ये अच्छा से बारीक हो जाए। ये देखिए ये पीस चुका है। अब हम इसमें लहसुन को डालकर पीसेंगे। ऐसा करने से लहसुन जो है थोड़ा सा दरबरा रहता है और थोड़ा स्टिकी नहीं होता है। साथ में पीसेंगे तो लहसुन बहुत ही स्टिकी हो जाता है। अभी ये थोड़ा सूखा है और पीस नहीं रहा है मिक्सर में, तो थोड़ा सा पानी हम डाल लेते हैं इसमें। इसमें करीब 2 बड़े चम्मच मैंने पानी डाला है और इसको फिर से हम पीस लेंगे। अभी ये देखिए चटनी पीस कर तैयार हो गई है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और ये चटनी थोड़ी दरदरी है, बिल्कुल बारीक नहीं है ये। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन में तेल गरम कर लीजिए और आधा कप तेल है ये। अब हम इसमें चटनी को डाल देंगे जब तेल गर्म हो जाए तो। मैंने इसमें किसी भी तड़के का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप तड़का पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा जीरा या राई डाल सकते हैं। और इसको हम इसी तरह से तेल में करीब 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक, और धीमी आंच में फ्राई करना है ताकि चटनी है जो थोड़ी हल्की पक जाए, जिससे ये लंबे समय तक चलेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। इस तरह से यदि हम पका कर तेल में रख लेते हैं तो। और ये देखिए इस तरह से ये थिक हो गया है चटनी। आपको जैसा चटनी का कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा रख लीजिए। इसको थोड़ा और ड्राई करना चाहें तो और ड्राई करके भी रख सकते हैं या इस तरह से। अभी चटनी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो किसी कंटेनर में भरकर हम फ्रिज में रख देंगे और ये आराम से 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक चलेगा। और आप जब भी चाहें इसका इस्तेमाल करें अपने भोजन में। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।